हाय दोस्तों, कैसे हैं? नमस्ते, प्रणाम। मैं रानी कुमारी आप सबको स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, रानी कुमारी में। और कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, बताइएगा। और मैं बता दूँ आप लोगों को जानकारी के लिए कि मैं आई हूँ माइका में, आया हुआ 3-4 दिन हो गया है और आई हूँ। तो यहाँ पर अचानक आना पड़ा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था और फिर मैं यहाँ पर अभी बैठी हूँ। देख सकते हैं मैं बैर खा रही हूँ। आप लोगों को खाना है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। हालांकि मुझको खाना नहीं है, दांत में दर्द है और डॉक्टर को दिखाए हूँ, 4,000 रुपया लग रहा है, वो खोड़ा टाइप हो गया है। कल तो बहुत ज़्यादा मुझको वो हो रहा था, दर्द हो रहा था। मैं क्या बताऊँ, मैं किसी को अपना दिल का बात शेयर नहीं करती, खास करके झगड़ा लड़ाई फलान ठेकान। तो वही मैं डॉक्टर के कल दिखाने गई थी, बहुत ज़्यादा दर्द है। कल ही गई थी, कल सुई दवाई सब हुआ, एक्सरे हुआ दांत का, एक्सरे, और फिर कल जाना है दांत को दिखवाने के लिए। मैं क्यों बता रही हूँ आप लोगों को, बता दूँ कि मैं किस हालात से अभी गुजर रही हूँ। और मैं बैर लेकर बैठी हूँ, मन कर रहा है खाने के लिए, बट मैं खा नहीं पा रही हूँ क्योंकि डॉक्टर मीठा और खाटा दोनों मना किए हैं। अभी तो आई हूँ, मैं क्या भी बैठी हूँ और रील्स बना रही हूँ धूपा में बैठ के। धूप में तो बनाते बनाते रील्स शॉर्ट वीडियो पूरा काली हो गई नैयर में। जब भी आती हूँ मैं काली होके और दुबली होके जाती हूँ। लोग बोलते हैं कि खाना नहीं खाती हो जाके, बट यहाँ पर खाना देम लगता है नहीं है, नैयर का खाना है। बैर खाना है तो आ जाइए मेरे लिए। तो मैं तो दिख रही हूँ, ऐसे देख रही हूँ बैर के, लेकिन खा नहीं पाऊँगी क्योंकि खट्टा मीठी है, मीठा भी है। आपको खाना है तो बताइएगा। और हाँ, एक बात और मैं बता दूँ, अब बैठी हूँ यहाँ पर, धूप लग रहा था, मैं कभी से रील्स बना रही थी और रील्स बना ली हूँ। मैं दूसरा का मेरा चैनल है रानी कुमारी ऑफिशियल, सबसे नीचे में है। और धूपा में हूँ, तभी सीढ़ी पर बैठी थी, बैर को देख रही हूँ, खा नहीं पा रही हूँ क्योंकि खट्टा है। आपको खाना है तो आ जाइए। और हाँ, नैहर में एक, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, बकरी मेरी मम्मी एक बकरी रखी है, कल उसका बच्चा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी देख लीजिए कहाँ पर मैं हूँ, छत्ता पर कभी से रील्स बना रही थी, देख लीजिए। और हवा चल रहा है, अच्छा लग रहा था बनाई, पूरा काली हो गई हूँ नैहर में घूम घूम के। बने रहिए, मैं दिखाती हूँ, मम्मी एक बकरी रखी है उसी का एक बच्चा हुआ है, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और चलिए दिखाती हूँ, मैं ब्लॉग बनाती नहीं हूँ उतना, लेकिन मैं क्या बनाऊँ, सोची कि चलो एक मैं, कुछ लोग फ़ोन कर रहे थे मेरे ऊपर, तो बोल रहे थे कि आप कहीं कहाँ गई हो, तो मैं बताई कि नैहर में आई हूँ, तो मैं कितना लोगों से बताती, इसलिए मैं सोची एक ब्लॉग भी बना दूँ। और आप लोगों की जानकारी के लिए तो मेरा ब्लॉग बनाना मेरा काम ही है, और मैं ब्लॉग तो उतना बनाती नहीं हूँ, क्या बनाऊँ ब्लॉग। तो सोची कि चलो एक अपने दोस्त लोग जो भी हैं मेरे पब्लिक और जो भी मेरे चाहने वाले हैं, मैं उन लोगों को बता दूँ कि मैं आई हूँ अपने माइका में और 1 साल पर आई हूँ, 1 साल पर आती हूँ। देखिए कब तक रहती हूँ, हालांकि होली तो पता नहीं बीतेगा यहीं कि कहाँ बीतेगा पता नहीं है। बने रहिए, देख लीजिए छत पर कभी से रील्स बना रही थी, बन गया, मैं जा रही हूँ नीचे और मम्मी के एक बकरी के बच्चा दिखा रही हूँ। बने रहिए, दर्द में कमरिया, ये है मेरा घर, ये देखिए बचना का ये मेरी मम्मी की बकरी है, देख लीजिए। अरे माई, अरे सगर चल जाइए, दादा जा बचना का गिरा दिला, अरे गिरा दिला, अरे ये बचना सगर हित का नहीं, चल जाइए। हाय संतरा, तू अनन संतरा, ये है एक बकरी, सगर चल जाइए। अरे बकरी तक रे, तक वीडियो बना दे, वीडियो तक रे, हाय कवानी, अरे रुक, तोरो के दिखाओ तनी, अरे तो मार दी।